ना धीरता ना रे मारे ससुर जी पूजा भैया और तुमसे बहुत इंप्रेस भी लग रहे हैं। पर पता नहीं क्यों आज मुझे पापा खुश नहीं लग रहा है। नहीं तो खुश तो लग रहे हैं, स्माइल कर रहे हो। मेरे नहीं, तुम्हारे पापा। ए पूजा, आप दोनों के सुखी जीवन के लिए की जा रही है, कृपया मंत्रों पे ध्यान दीजिए। हाँ जी अर्जुन। सहस्र शेर खा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्र पाद शभो मेघो शरवत स्तुत्वा यातिष्ठत दशान गोलम् स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। सुनो, आकाश क्यों नहीं आया? उसे किसी जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ गया, इसलिए। सुंदर लग रही हो, बिल्कुल अलग, जैसे ओहो, इतनी सुंदर लग रही हूँ कि तुम्हें शब्द ही नहीं मिल रहे। अभी तो तुमने नीचे मेरा मजाक उड़ाया और अब मेरा मजाक यहाँ बना रहे। हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हो। मैं कहाँ मजाक ना, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो और तुम तो हमेशा ही सुंदर लगती हो। सॉरी। आप दोनों मिलकर आहुति दें। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा, नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। हाथ जोड़ के ध्यान के लिए। ओम विद्युत धाम शम प्रभाम रघुपते कंधस्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेड़ बिलजा धस्ता विरास विदाम। पूजा संपन्न हुई। अब आप सब लोग खड़े हो जाइए। होने वाले वर वधु को आशीर्वाद लें। एक मिनट रुकिए। ये पूजा खास तौर से वधु की ग्रहों के शांति के लिए रखी गई थी, इसलिए सबसे पहले अपनी बहन और जीजाजी से आशीर्वाद लें।
अरे लक्ष्मी, अब आप दोनों बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। अरे जीते, मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। मुझे नहीं पता था कि पूजा इतनी छोटी होगी। क्यों, घर जाने का मन नहीं कर रहा? कुछ दिनों की बात, उसके बाद हर वक्त हम साथ रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो इतनी लंबी जुदाई सहनी पड़ेगी वो? मतलब कि ये कि आज तो पूजा के बहाने तुम मुझसे आसानी से मिली, मेरे साथ बैठ गए, मेरा हाथ भी पकड़ लिया। लेकिन एक बार जब इन हाथों में हल्दी लग गई ना, तो मेरा घर से बाहर जाना या तुमसे मिलना बंद। भूल गए, सरस्वती दीदी की शादी में भी तो यही हुआ था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, पर इतने दिन तुम्हें देखे बिना? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं देखूंगा तो मैं तो मर जाऊं। इतने अच्छे दिन पर ऐसी अशुभ बातें नहीं करते, मीठा मीठा बोलते ताकि सब अच्छा अच्छा हो। अच्छा, जैसे 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 इधर देखो, देखो लक्ष्मी के ससुर बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह सूट वूट पहन कर रहते हैं। अरे ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं और ये ऐसे ही रहते हैं। सब के सब जाहिल हैं। जब से आया हूँ तब से ऐसे घूर रहे हैं जैसे सर्कस में नया जानवर देख लिया हो। आप लोग बैठिए ना, नाश्ता आ ही रहा है। किशोरी, अरे नाश्ता का क्या हुआ? नाश्ता? हाँ भाई साहब, बस दो मिनट। माँ, पूजा तो हो चुकी है, मेरे ख्याल में अभी हमें चलना चाहिए। नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? एक तो आप पहली बार आए, बड़ी मुश्किल से आए, थोड़ी खातिर तो कर दे दीजिए। मैं आपके लिए कुछ मंगवाता हूँ। लक्ष्मी, जरा डंडा लेके आना। अच्छा। ये डंडे की कोई नई रस्म है क्या? वैसे मेरा टुगू उसी लायक है। माँ, चुप करो। ये लो बुआ। अरे देख क्या रही है, मार। मैं, अरे मार ना।
अच्छा ये पंखा ऐसे नहीं चलेगा, इससे डंडा मारना ही पड़ता है। जोर से मारना लक्ष्मी। हाँ अरे चल गया। क्या क्या नई स्टाइल है ना। अब आपको गर्मी नहीं लगेगी। क्या है कि हमारे यहां जब बिजली चली जाती है ना तो ये बेचारा पंखा अटक जाता है। अब इसे मुझे ठीक करवाना ही पड़ेगा। पुराना है ना, क्या करें। अरे पुराने पंखे ही तो अच्छे होते हैं, कितनी हवा देते हैं पता है। आजकल ऐसे पंखे बनते ही कहां है। ओल्ड इज गोल्ड है ना विनोद जी। और दादी आपको याद है हमारे पास एक पुराना टीवी हुआ करता था जिसका चैनल थप्पड़ मारने भी चेंज होता था। हाँ। पुरानी बातें याद दिला दी तूने बेटा। मैंने नहीं दादी, इस पंखे ने। चलिए अब हंसते हंसते सबको भूख लग गई होगी है ना। दादी जी मैंने गर्मा गर्म कचौरी और समोसे बनवाए खास आपके लिए। समोसे और कचौरी, ये चलो चलो चलो। रेणुका मेरे ख्याल में खाने पीने में बहुत वक्त निकल जाएगा, हमें चलना चाहिए। थोड़ी देर की तो बात है डुग्गू, इन्होंने नाश्ते की इतनी तैयारियां करवाई हैं, नहीं खाएंगे तो इन्हें बुरा लगेगा। प्लीज। हो सकता है समोसे और कचौड़ियां ही बुरा मान जाए। बुआ जी आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। जल्दी कीजिए, बाहर मिठाई भेजिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पर विशाल जी वो मिठाई कहाँ है जो आप लेके आए थे? यही तो थी, ये रे ये लीजिए। ये मिठाई विशाल जी, ये मिठाई क्यों ले आए? मेरा मतलब है थोड़ी सी महंगी वाली लाते ना। पर बुआ जी हम हर बार बनारसी लाल हलवाई के यहाँ से ही तो मिठाई लाते हैं, मेरी और सरस्वती की शादी में भी वहीं से लाए थे। वो बात और थी विशाल जी, ये लक्ष्मी की शादी है, अब अग्निहोत्री परिवार के सामने ये मिठाई जाएगी तो वो लोग क्या सोचेंगे ना। मैं जरा शुरू कीजिए ना। वाह वाह, इसे कहते हैं कानपुरिया खातिरदारी, कुछ सीख ले इनसे। शुरू हो जा। देखो वो कचौरी है ना, उनमें ऐसे छेद करके बीच में चटनी डाल के खाओ, बड़ा स्वाद आएगा। हाँ भाई विनोद जी, मैं आपसे दहेज मांग ही लेती हूँ है ना। ना धीरता ना रे